चलो जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज की क्लास में एक हम अपना टॉपिक जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे एनजीओ वाला नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 42 की कंपनी। तो हमने पढ़ा था कि कौन सी कंपनी जो है वो एनपीओ होती है। बेटा मुझे बताएं कि कंपनी को एनपीओ या एनजीओ बनने के लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। मकसूद आप बताएंगे ये बच्चे। आवाज नहीं आ रही बच्चे आपकी। मकसूद मकसूद आपके माइक को क्या हुआ है पुत्र? कैन आई टाइप? यस आई थिंक यू कैन टाइप। अगर अल्लाह ने हाथ दिया पुत्र तो टाइप कर ही सकते हो। नो माइक्रोफोन? नहीं बेटा ये बात अच्छी नहीं है। चले अनीस आप बता दें। ओके बेटा, माइक का अपना, लैपटॉप का अपना, जो फोन होता है माइक्रोफोन वो होता है, उसे इनेबल कर लें आप डिवाइस मैनेजर में जाके अगर डिसेबल है तो। जी अनीस आप बताएं बच्चे, कौन सी कंपनी एनपीओ होती है? सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जिनका ऑब्जेक्टिव बहुत है प्रमोट करना, मतलब एजुकेशन वगैरह, वही हेल्थ और जो हेल्थ और कॉमर्स आर्ट्स वगैरह इन चीजों में इन्वॉल्व हो, ये सर्विसेज या वगैरह रेंडर कर रही हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जो पेमेंट भी मतलब डिविडेंड ना दे रही हो मेंबर्स को। शाबाश। और सर दूसरी बात ये है कि मतलब ये पब्लिक ऑर्डर और लॉस के खिलाफ ना हो, इनलीगल ना हो उसका ऑब्जेक्ट किसी भी टाइम। यस सर। ओके शाबाश। तो बेटा कोई कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट कब होगी? आप कहेंगे जब वो चार कंडीशन फुलफिल कर देगी। पहली क्या है कि भाई उसका ऑब्जेक्ट जो है वो पूरी लिस्ट में से कोई एक हो जिसमें सोशल वेलफेयर, एजुकेशन वगैरह वगैरह वो याद करें। दूसरा क्या है कि भाई वो अपने प्रॉफिट्स जो है अपने ऑब्जेक्ट की प्रमोशन में लगाएंगे। तीसरा ये है कि वो किसी मेंबर को डिविडेंड नहीं देंगे। और चौथा ये है कि भाई उनका ऑब्जेक्ट किसी भी टाइम इलीगल नहीं होगा। ठीक है, लाइसेंस लेने का तरीका कार बताएं बच्चे। सेक्शन 42 के अंदर लाइसेंस लेने का तरीका कार, फैजान आप बताएं जरा, रोशनी डालें इस पे। मकसूद आप टाइप करें बच्चे। सर एससीसी कमीशन वाले देंगे ना लाइसेंस, जैसे उनको जो कंडीशन और वो रेगुलेशंस वगैरह पे हो, जैसे वो सही समझे। शाबाश। तो आपने बताना है कि भाई जो लाइसेंस है वो कमीशन ग्रांट करेगा। लेने का तरीका कार क्या है कि कंपनी अप्लाई करेगी, कंडीशन फुलफिल करेगी, कमीशन को एप्लीकेशन देगी और कमीशन जो है वो अपॉन सच टर्म एंड कंडीशन जो वो सही समझेगी उसके ऊपर उनको लाइसेंस ग्रांट कर देगी। अगला बेटा टॉपिक है कि लाइसेंस रिवोकेशन। रिवोक का मतलब कैंसिल करना। तो बेटा जाहिर सी बात है कि जो लाइसेंस देता है रिवोक भी वही कर सकता है। तो हु कैन रिवोक द लाइसेंस? तो आप कहेंगे कि भाई कमीशन कैन रिवोक लाइसेंस एट एनी टाइम। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि भाई लाइसेंस रिवोकेशन का कि कमीशन जो है सबसे पहले नोटिस देगा कंपनी को कि मैं आपका लाइसेंस जो है वो रिवोक कर रहा हूं, और उनको अपॉर्चुनिटी देगा कि अगर वो आके कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहती है कंपनी तो वो आके दे सकती है। इसके बाद ही वो लाइसेंस जो है वो रिवोक करेगा कमीशन उसका। तो लिहाजा लाइसेंस रिवोक कौन कर सकता है? कमीशन। कब कर सकता है? किसी भी टाइम, जब भी उसकी मर्जी आएगी। लेकिन तरीकाकार क्या है कि भाई सबसे पहले वो कंपनी को नोटिस देगा, कंपनी को अपॉर्चुनिटी देगा कि वो आके जस्टिफिकेशन दे, और उसके बाद लाइसेंस जो है वो रिवोक कर देगा। क्लियर है बच्चे? यस सर। ओके, अब अगर एक कंपनी का लाइसेंस रिवोक हो जाता है तो इसका इफेक्ट क्या होगा? तो देखो बेटा हमने कल जो डिसएडवांटेज पढ़े थे वो तो सारे इसके शुरू में आपने ऐड कर देने। ठीक है, सबसे पहली बात कि कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हुआ तो भैया सीधी सी बात है कि उसके नाम के साथ वर्ल्ड लिमिटेड लाइबिलिटी ऐड हो जाएगा। ऐसी बात है, कंपनी की तमाम प्रिविलेजेस खत्म हो जाएंगी। ऐसी बात है। तीसरे नंबर पे कंपनी का इफेक्ट क्या होगा? वो कहता है कि भाई अगर कोई कंपनी जो है वो लाइसेंस की कंडीशन पूरी करने में नहीं रहती तो फिर क्या होगा,
कि उसका जब लाइसेंस कैंसिल होगा तो उसको अपने तमाम एक्टिविटीज रोक देनी होगी, सिवाय कंपनी ने अगर किसी से कुछ पैसे लेने हैं तो वो ले सकती है, इसके अलावा कोई और काम नहीं करेगी। इसी तरह जैसे ही कंपनी का लाइसेंस कैंसिल होगा तो कंपनी क्या करेगी, अपनी तमाम डोनेशंस लेना बंद कर देगी। ठीक है, जब ये चार काम हो जाएंगे, कौन कौन से, पहले नंबर पे नाम के साथ वर्ल्ड लिमिटेड गारंटी ऐड हो जाएगा या प्राइवेट लिमिटेड ऐड हो जाएगा, दूसरे नंबर पे तमाम प्रिविलेजेस खत्म हो जाएंगी, तीसरे नंबर पे कंपनी अपने तमाम जो काम है वो बंद कर देगी, चौथे नंबर पे कंपनी तमाम डोनेशंस लेना बंद कर देगी। अब क्या होगा, अब कंपनी क्या करेगी कि अपने जो नेट एसेट्स होंगे, जाहिर बात है कंपनी के पास एसेट्स मौजूद होते हैं, और अगर वो एनजीओ के एसेट्स हैं तो मतलब वो दूसरे लोगों के पैसों से खरीदे गए ना, क्योंकि वो तो गारंटी लिमिटेड है, मेंबर्स या शेयर होल्डर ने तो पैसे दिए नहीं थे, तो लिहाजा वो लोगों के ही पैसे हैं, वो कंपनी के मेंबर्स को नहीं मिलेंगे एसेट, बल्कि तब कंपनी क्या करेगी कि वो तमाम एसेट्स जो कंपनी के पास मौजूद हैं 90 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन उसका लाइसेंस कैंसिल हुआ, वो किसी दूसरी एनजीओ को जिसके सिमिलर ऑब्जेक्टिव होंगे उसको ट्रांसफर कर देगी। तो कंपनी क्या करेगी, अपने तमाम एसेट्स 90 दिन के, किस दिन, 90 दिन कहां से शुरू होंगे, आफ्टर रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस, अपने तमाम एसेट्स जो है वो किसी सिमिलर कंपनी को ट्रांसफर कर देगी। क्लियर है बच्चे? यस सर। अच्छा हाँ, इस दौरान वो कुछ पैसे अपने पास बहरहाल रख सकती है, क्योंकि आगे कंपनी वाइंड अप होनी है, क्लोज होनी है, तो उसके ऊपर भी अच्छा खासा खर्चा आता होता है, रिपोर्ट्स होती हैं, चलान होते हैं, गवर्नमेंट की फीस होती है, वो पे करने के लिए वो अपने पास रख सकती है। जब कंपनी ये ऊपर वाली 5 कंडीशन फुलफिल कर लेगी, कौन सी, नाम ऐड हो गया, प्रिविलेजेस खत्म हो गई, काम बंद कर दिए, डोनेशन बंद कर दी, एसेट ट्रांसफर कर दिए, जब ये कंपनी तमाम काम पूरे कर लेगी तो कंपनी काम पूरे करने के 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को एक रिपोर्ट बना के भेजेगी कि भाई हमने ऊपर वाली कंडीशन जो है वो फुलफिल कर ली। रजिस्ट्रार क्या करेगा, उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करेगा। जिस दिन रजिस्ट्रार एक्सेप्ट करेगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी क्या करेगी, वाइंडिंग अप के लिए, कंपनी की क्लोजिंग के लिए प्रोसीजर स्टार्ट कर देगी। मतलब कोर्ट को एप्लीकेशन देना, अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना, डेटर क्रेडिटर्स को सेटिस्फाई करना, वगैरह वगैरह वगैरह। समझ आ गई बात? यस सर। तो लिहाजा पहला इफेक्ट कंपनी का नाम चेंज, दूसरा इफेक्ट कंपनी की प्रिविलेजेस खत्म, तीसरा इफेक्ट कंपनी का बिजनेस बंद, चौथा इफेक्ट कंपनी की डोनेशन बंद, पांचवा इफेक्ट कंपनी तमाम एसेट 90 दिन के अंदर दूसरी एनजीओ को ट्रांसफर कर देगी, छठा इफेक्ट कंपनी जिस दिन एसेट ट्रांसफर कर देगी उसके 90 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को, सॉरी 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को रिपोर्ट भेजेगी, जिस दिन रिपोर्ट एक्सेप्ट होगी रजिस्ट्रार के पास उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर जो है कंपनी ने वाइंडिंग अप के लिए प्रोसीजर स्टार्ट कर देनी है। क्लियर है बच्चे? यस सर। अगर कंपनी वाइंडिंग अप का प्रोसीजर स्टार्ट नहीं करती तो फिर अदालत जो है वो एक ऑफिशियल मैनेजर अपॉइंट कर देगी, एक बंदा अपॉइंट कर देगी उस कंपनी के ऊपर, वो जाके कंपनी के तमाम मामलात को संभालेगा और उसके बाद कंपनी की वाइंडिंग अप करेगा। समझ आ गई बात? यस सर। इसी तरह अगर एक कंपनी जो है वो बंद हुई है और उसके एसेट किसी और कंपनी में ट्रांसफर हुए हैं, तो जो कंपनी बंद हुई है उसका कोई डायरेक्टर ऑफिसर या उसका कोई भी फैमिली मेंबर अगली कंपनी जिसके अंदर एसेट ट्रांसफर हो रहे हैं उसके अंदर 5 साल तक कोई ऑफिसर या डायरेक्टर नहीं बन सकता। 5 साल कब से शुरू होंगे, जिस दिन एसेट ट्रांसफर होंगे उससे आगे 5 साल तक कोई भी शख्स उस कंपनी का डायरेक्टर ऑफिसर नहीं बन सकता, पिछली कंपनी वाला। क्लियर है बच्चे? इफेक्ट ऑफ रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस। यस सर। यस सर। चले सर। जी जी बेटा, ये नाम वाला इफेक्ट का पॉइंट नहीं है इधर, मतलब नाम के साथ क्या होगा कंपनी का, इधर नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा। यस सर। यस, मैं आपको अलहदा से दिखा देता हूँ और बताएंगे आप कहे तो भाई। ओके सर। स्क्रीनशॉट लेके आपको भेज देता हूँ, आप और हुक्म करें भाई, जना आपको नहीं दिख रहा, अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो, मैं तो इसमें से पढ़ा ही नहीं रहा, मैं तो यहाँ पे जस्ट डेट्स हाईलाइट कर रहा हूँ। अब मैं आपको मैं कह रहा हूँ कि अब आप पढ़े इसे, लिहाजा जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तब नोट्स को नहीं देखना। हाँ, जहाँ पे मैं नोट्स पे हाईलाइट कर रहा होता हूँ तब आप देखें, जब मैं पढ़ा रहा हूँ आप मुझे देखा करो भाई, मुझे पता है कि ऐसी शक्ल सूरत नहीं है कि आप देख सको, बर्दाश्त कर सको, घर वाले नहीं बर्दाश्त करते, तो बहरहाल मुझे देखा करें, फायदा होगा। पढ़े। यस सर। आप पढ़ेंगे सारा।
मुझे बताइएगा, जब पढ़ लेना तो मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर दूंगा, ओके मैं कर ही देता हूँ, पढ़ लिया होगा। चले जी, ये 4 से लेकर 10 पॉइंट तक आगे पढ़ें। रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ रिकॉर्डिंग याद है। यस सर। गुड डे, गुड डे, शाबाश। पढ़ लिया सर। आपने पढ़ लिया भाई? जी सर। फैजान मुजम्मिल? जी सर पढ़ लिया। ओके गुड हो गया, माशाल्लाह। दो दो आईडी से वहां आके पढ़ रही है। मेहनते मेहनते निकम्मे लोग। अभी तक क्या कर रहे थे? अच्छा अब मेरे क्वेश्चन है, देखो बेटा ये तो प्रोसीजर है सारा या इफेक्ट सर एक आवाज के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा एक आवाज के लिए इस्तेमाल कर रहे हो? यस सर, ब्रेक सुनने के। सवाल है, एक कभी नाश्ते के लिए भी इस्तेमाल कर लो। अच्छा अब ये तो बेटा प्रोसीजर था उस कंपनी का जिसके एसेट्स हैं। अगर कोई एक एनजीओ ऐसी है जिसका लाइसेंस कैंसिल हुआ, जिसके पास कोई एसेट या लाइबिलिटी नहीं है, उसके साथ क्या प्रोसीजर फॉलो होना है? इफेक्ट तो सेम रहेगा, नेम चेंज हो जाएगा, ड्यूरेशन बंद हो जाएगी, बिजनेस बंद हो जाएगा, आगे क्या होगा उसका? उसके पास तो एसेट ही नहीं है जो वो ट्रांसफर करे। ऐसी कंपनी का क्या काम होगा, क्या गेम होगी जिसके पास कोई एसेट मौजूद नहीं है? तो बेटा ऐसी कंपनी के ऊपर इफेक्ट क्या होगा? सिंपल सी बात है कि भाई नेम चेंज, बिजनेस बंद, डोनेशन बंद। उसके बाद कंपनी सिंपली रजिस्ट्रार को एक एप्लीकेशन देगी कि मेरा नेम आप अपने रजिस्टर में से निकाल दो, तो वो कंपनी का नेम रजिस्टर से निकाल देगा, कंपनी बंद हो जाएगी। उसका कोई बाइंडिंग अप का प्रोसीजर नहीं होगा, उसकी कोई रिपोर्ट्स रजिस्ट्रार के पास नहीं जाएंगी। देखो रिपोर्ट तो उनकी जानी है ना, जिन्होंने एसेट्स वगैरह भेजने होते हैं। समझ आ गई बात? यस सर। ओके गुड हो गया। अच्छा अब बेटा किन वजूहात की बिना पर लाइसेंस कैंसिल हो सकता है? तो बेटा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसका बहुत ज्यादा चांस है इस बार टेस्ट होने का, तो काइंडली एक रट्टा ही है सीधा साधा सा, तो मैं आपको हम पढ़ लेते हैं कि भाई इसके अंदर क्या एक लिस्ट मौजूद है कि कमीशन किन वजूहात की बिना पर लाइसेंस कैंसिल कर सकता है, रीजन फॉर रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस। वो कहते हैं कि देखो भाई अगर तो कंपनी की मैनेजमेंट जो है वो किसी भी टर्म एंड कंडीशन को कंप्लाई करने में फेल हो गई है, लाइसेंस कैंसिल हो गया। इसी तरह अगर कोई रिक्वायरमेंट कमीशन ने स्पेसिफाइड की थी अलहदा से कंपनी, उनको कंप्लाई करने में फेल हो गई है, लाइसेंस कैंसिल हो गया। कंपनी के मामलात जो है वो कुछ इस तरह के हैं जो लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ है, मतलब वो लोगों की जासूसी कर रहे हैं या वो लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी कर रहे हैं, तो उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा। इस तरह अगर कंपनी अपनी 2 साल तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट SCCP को जमा नहीं कराती अपनी, तो उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा। इस तरह कंपनी जो है वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट में काम कर रही है, मतलब पाकिस्तान के अंदर जासूसी कर रही है, गद्दारियां कर रही है, दहशतगर्दी हमले करवा रही है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग कर रही है, तो भी उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी भी वक्त एक कंपनी के जो एनजीओ के मेंबर की तादाद 3 से कम हो जाएगी, तो वो कंपनी भी उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह अगर कंपनी जो है वो अनलॉफुल या फ्रॉडुलेंट काम में लगी हुई है, डबल छाप बनी हुई है कि भाई अमीरों की स्कीम हाथ लग गई है, एक महीने में पैसा डबल, तो उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा। कंपनी को कोई ऐसा शख्स मैनेज कर रहा है जो प्रॉपर कंपनी की बुक्स एंड अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहा, तब भी लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। या कंपनी को एक ऐसा शख्स मैनेज कर रहा है जो फ्रॉड वगैरह में मौजूद है, मुलविस है,
वो भी लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। कंपनी को एक ऐसा शख्स मैनेज कर रहा है जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व रहा है, जिसने उसामा बिन लादेन को फंडिंग की है, अल्लाह माफ करे इन लोगों पे, उनको टेररिस्ट कहते हैं। अच्छा, तो भाई उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह कोई भी शख्स ऐसा जो कंपनी को मैनेज कर रहा है और वो कह देता है कि मैं थोड़ी कोई गल नहीं माननी, मैं कंपनीज एक्ट की कोई बात नहीं मानता, तुम मेरे बकरे अबू लगे हो। तो लिहाजा अगर कोई ऐसा शख्स मैनेज कर रहा है जो कंपनीज एक्ट 2017 की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग में चलने से मना कर देता है, वो कहता है जी मैं बागी हूँ, तो एससीसीपी कहता है ठीक है जी आप बागी ही रहो, ये लो लाइसेंस आपका कैंसिल हो गया। और इसी तरह अगर कोई कंपनी पूरा साल कोई काम या एक्टिविटी नहीं करती तो भी उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। और आखिर में जब कमीशन थक गया तो उसने कहा कि देखो भाई मैं ये लिस्ट बनाते बनाते थक गया हूँ, अगर मुझे लगेगा कि तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करना एन इंसाफ के तकाजों के मुताबिक है तो भैया मैं तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा, फाड़ दिया। तो भैया ये वो वजूहात हैं 12-13 जिनकी वजह से लाइसेंस कंपनी का कैंसिल हो सकता है। क्लियर है बच्चे? यस सर। पढ़े, शाबाश, पढ़े। अच्छा ओए छोड़ो, सब छोड़ो, सब छोड़ो, मैंने आपको कल एक टेस्ट भेजा था, पर तुम्हें मैं मजाक लगता हूँ तुम लोगों को? है हेलो, हाँ सोच ले सर, टाइम नहीं था, बहुत इजी था सर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो भाई मैंने आपको कब कहा था कि मैंने आपको उसका नॉलेज रट्टा टेस्ट कर रहा है? मैंने तो आपकी प्रेजेंटेशन और ड्राफ्टिंग टेस्ट कर दी थी, ये तो मैंने कल ही आपको बता दिया था क्लास में, लेक्चर भी नहीं देखा होगा मतलब मेरा ख्याल कल वाला। भाई वो क्वेश्चन मैंने आपका रट्टा टेस्ट करने के लिए नहीं दिया था, आप माशाल्लाह बहुत रट्टे मास्टर हो, जिंदगी में रट्टा ही तो लगाया ना, इसके अलावा तो किया कुछ नहीं है। तो मैंने कहा था मेरे पुत्र, मैंने कहा था कि उसको सॉल्व करना, मुझे पता लगेगा आपकी राइटिंग कैसी है, आपकी ड्राफ्टिंग कैसी है, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन कैसी है, आपकी लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप कैसी है। सर क्लास के बाद भेज देंगे सारे। तो आज वाला फिर कौन करेगा, वो भेज दोगे तो? दोनों भेज देंगे सर। चले अल्लाह मेहरबानी करे, हाँ जी चले पढ़े इसे जल्दी से, अब क्वेश्चन क्या है वो भी कर लें साथ में जो कर रहे थे। सर मेरा क्वेश्चन इफेक्ट ऑफ रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस का है सर, आपने कहा कि अगर कंपनी के पास एसेट्स ना हो तो वो फिर क्या करेगी, मतलब तो सर काइंडली वो बात जरा रिपीट कीजिएगा। देखो बेटा एक कंपनी के पास कोई एसेट नहीं है तो फिर क्या वो कोई एसेट ट्रांसफर करेगी? नो सर नहीं करेगी, वो वाली रिक्वायरमेंट उस पे खत्म हो गई। यस सर। इसके अलावा वाइंडिंग अप बेटा जो होती है ना, अभी जो अगर आपको इसको ज्यादा डिटेल पे पढ़ना है ना तो फिर 2-3 अटेम्प्ट स्किप कर दे लॉ की, पूरे का पूरा इसका जो वो शेड्यूल है ना नए सिलेबस पे ऐड हो रहा है कंपनी लॉ में, तो उसमें जाके डिटेल से पढ़ लेंगे हम वाइंडिंग अप कोड जो है पूरा टॉपिक ऐड हो रहा है इसके अंदर। अच्छा वाइंडिंग अप बेटा असल उसका मसला ये होता है वाइंडिंग अप का कि कुछ एसेट्स होते हैं कुछ कर्जदार होते हैं कंपनी के, तो वो मामला सेटल नहीं हो रहे होते, तो फिर कोर्ट या अदालत में जाके एप्लीकेशन देनी पड़ती है भाई हमारे इनके साथ मामला सेटल करो। तो कोर्ट फिर क्या करती है, क्रेडिटर्स को डेटर्स को नोटिस भिजवाती है, पैसे लेती है निकलवाती है, उनके दरमियान में सेटलमेंट करके एड पे कंपनी बंद करती है। अब यहाँ पे तो ऐसा कोई केस ही नहीं है तो वाइंडिंग अप वाला पॉइंट भी खत्म हो गया ना, तो कंपनी ऐसे ट्रांसफर कर रही है तो फिर रजिस्ट्रार को रिपोर्ट किस चीज की भेजेगी, ना रिपोर्ट भेज रही है तो बेटा सिंपल उसको क्या करना होगा, एक रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन लिखनी होगी कि हमारा नाम कंपनी की लिस्ट में से निकाल दो, वो निकाल देगा कंपनी बंद हो जाएगी, बात है। यस सर। पढ़े इसे पढ़े आप। सर ये नंबर ऑफ मेंबर्स इज रिड्यूस्ड बिलो 3, मतलब मिनिमम नंबर्स 3 हो गए या मतलब मैक्सिमम कितने? मिनिमम नंबर 3 हो गए।
सर मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर बेटा ये पब्लिक कंपनी होती है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं उनके अंदर मैक्सिमम नंबर 50 होते हैं, मिनिमम 2 होते हैं। पब्लिक कंपनी केस में मिनिमम 3 होते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। आप डोनाल्ड ट्रंप को भी ला सकते हो, आप ओबामा को भी ला सकते हो, आप रोनाल्डो को भी ला सकते हो, आप पुप्पी के बेटे भी ला सकते हो, पुप्पी को नहीं ला सकते, कंपनी डूब जाएगी। सोशल वर्क का पुप्पी के साथ क्या लेना देना भाई, am I right? Yes, sir. पढ़ो। सर ये जी नंबर पॉइंट पे जो सब पॉइंट है 2.2 ये लाइन, ये स्टेटमेंट नहीं समझ आ रही कौन सी रन भाई। कंपनी का कोई ऐसा डायरेक्टर है जो कहता है कि जी मैं कंपनी के प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये हमारा 16वां चैप्टर है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, उसे पढ़ेंगे तो ये क्लियर होगा कि ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और लॉ कहता है कि कंपनी को अपनी तमाम बुक्स और अकाउंट्स जो है वो प्रॉपर मेंटेन करने चाहिए। अगर कोई शख्स ऐसा डायरेक्टर मौजूद है तो जो उनको प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर रहा तो कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। सर ये जो दो सिमिलर वर्ड्स है मुझे तो नहीं प्रोनाउंस करना आ रहा, कौन से सिमिलर वर्ड? सर ये मिस फियांस है या पता नहीं क्या है, मुझे नहीं आ रहा। ये जो जी पॉइंट पे सब पार्ट है सर, 2 नंबर सर, रन एंड मैनेज बाय पर्सन हु फेल टू मेंटेन प्रॉपर एंड ट्रू अकाउंट्स और दे कमिट फ्रॉड, यही वाले सर। यार ये मैलेफिसेंस है, ये मिसप्रेजेंस है। मैलेफिसेंस गलत मेंटेन कर रहा है, मिसप्रेजेंस मतलब मेंटेन मिस कर रहा है चीजें, पूरी बुक्स नहीं मेंटेन कर रहा। आप इन वर्ड्स छोड़े, आप सिंपल देखो बेटे, ये वर्डिंग जो है ना ये लॉ की वर्डिंग है। आपको ये सारी आपसे डिमांड नहीं हो रही होती कि आप पूरी की पूरी लाइन ऐसे रट्टे मार के प्रोड्यूस करें, ठीक है? आप अगर इसमें सिंपल ऐसा लिख लेते हैं कि रन एंड मैनेज बाय पर्सन हु फेल्स टू मेंटेन प्रॉपर एंड ट्रू अकाउंट्स, बस दैट्स इट। यस इतना भी बहुत है, चल जाएगा, लेकिन बहरहाल आपको आना चाहिए। सर रिवोक कंपनी का लाइसेंस रिवोक होने के बाद वो नाम कोई और भी यूज कर सकता है ना सर? जब को कंपनी बंद हो जाएगी फिर कोई और यूज कर सकता है, वो कंपनी चल रही है तब तक। लाइसेंस रिवोक होने से कंपनी बंद नहीं होती, कंपनी अपने दूसरे स्टेटस एनजीओ का स्टेटस खो देती है, फिर उसके बाद बंद होती है। वाइंडिंग अप का प्रोसीजर बाद में आता है, पहले लाइसेंस कैंसिल होता है, जैसे ही लाइसेंस कैंसिल हुआ एनजीओ खत्म हो गई, फिर वाइंडिंग अप का प्रोसीजर आएगा, फिर कंपनी बंद होगी, फिर उसका नाम कोई और यूज कर सकते। पढ़ लिया? यस सर। ओके बेटा जी, अगला टॉपिक है प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, के कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो बेटा देखो, हर कंपनी की दो स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट होती है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको रजिस्टर कराना ही बेसिकली कंपनी को रजिस्टर कराना होता है। तो लिहाजा क्या प्रोसेस है इनकॉर्पोरेशन का, वो कहते हैं सबसे पहले आप रजिस्ट्रार से एक अच्छा सा नेम रिजर्व कराएं, अवेलेबल कराएं अपनी कंपनी के। देखो बेटा, हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कुछ नाम जो है वो आप नहीं रख सकते और कुछ नाम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, तो लिहाजा हमेशा कंपनी का नाम रखने से पहले आपको रजिस्ट्रार से इजाजत लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले आप कंपनी का नेम रजिस्ट्रार से रिजर्व कराएंगे, उससे इजाजत लेंगे, फिर आप अपना मेमोरेंडम और आर्टिकल, ये दोनों स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे। इसके ऊपर अगला चैप्टर पूरा है, हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली भी देखेंगे मेमोरेंडम कैसा होता है, आर्टिकल मैंने आपको दिखाया हुआ है, और फिर ये मेमोरेंडम और आर्टिकल हम रजिस्ट्रार को फाइल कर देंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। जब वो रजिस्ट्रेशन होगी तो फिर हमें इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट उसका मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस है इनकॉर्पोरेशन का, क्लियर बेटा? यस सर। मेमोरेंडम और आर्टिकल को रजिस्टर कराने का क्या क्राइटेरिया है बच्चे, तो इसको यहाँ पे छोड़ दें, ये अगले चैप्टर में फिर से रिपीट हो रहा है, हम इंशाल्लाह फिर इसके ऊपर अगले चैप्टर में बात करेंगे। अगला टॉपिक देखते हैं, जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है उसके ऊपर क्या कुछ लिखा होता है, उसके पार्टिकुलर क्या होते हैं। बेटा जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखे हुए हैं ना, वही इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के पार्टिकुलर होते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई हमारे पास पड़ा हुआ है तो
कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ये मिल रहा क्या भाई अपने को? अभी ये कौन सी कंपनी है यार, ये कोई और कंपनी, हम अपने क्लाइंट का निकालते हैं। क्लाइंट आए ये मेल आई थी उनकी, इधर मेल खुली हुई है मेरी, यहाँ मेल खुली हुई है, इसमें देखते हैं किधर गया मलिक, मलिक किधर गया भाई? इसके अंदर हम देखते हैं इसको, इसको कंसेंट देने की ऑडिटर अपॉइंट होना था, कंसेंट है इसके इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट की तरह, ये देखते हैं ये एसएमआई रिटेल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, ये इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट बेटा, ये आईडी कार्ड होता है कंपनीज का, जिस तरह आपका आईडी कार्ड नादरा इशू करता है, ये कंपनीज का आईडी कार्ड होता है जो एससीसीपी इशू करता है। तो इसके कंटेंट क्या होते हैं बेटा, ये देखें इसके ऊपर क्या कुछ लिखा हुआ है, इसके ऊपर नेम लिखा हुआ है कंपनी का, कंपनी की टाइप लिखी हुई है प्राइवेट लिमिटेड, इसी तरह उसकी ये टाइप लिखी हुई है लिमिटेड बाई शेयर है, लिमिटेड बाई गारंटी है, ये कौन सी है, मतलब ये नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से टाइप है, ये लाइबिलिटी के हिसाब से टाइप है, इसी तरह यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है किसकी है, उसके बाद फी लिखी हुई है, और साथ में जिस शख्स ने इशू किया है, जॉइंट रजिस्ट्रार ने इशू किया है सैयद जरगाम हैदर, ये उसके सिग्नेचर यहाँ पर मौजूद हैं, और इसके अलावा ये यहाँ पर ये इनकॉर्पोरेशन नंबर मौजूद है CUIN, कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिस तरह हमारा CIN होता है, हमारा नंबर होता है आईडी कार्ड का 13 हिंसों का, सेम इस तरह कंपनी का ये 7 हिंसों का इनकॉर्पोरेशन नंबर होता है। क्लियर है बच्चे? तो आप ये सारे देख लें, और उसके बाद ये प्रैक्टिकल है, ये कंपनी चल रही है, किस दिन बनी है ये, लाओ दिस 20th day of February 2020, पिछले साल 20 फरवरी को बनी थी। तो हम देखते हैं कि बुक के अंदर क्या पार्टिकुलर है, ऑनलाइन क्लासेस की यही बोझ होती है, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, पढ़े इसको। वही है यस सर। तो क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है, अपना आईडी कार्ड निकालना है, सामने रखना है, सारा कुछ लिख देना है भाई, वहां पे ये नहीं लिखना अबू का नाम, ठीक है ना, हाँ ये चीज नहीं लिखनी, शरारती अलामत भी नहीं लिखनी, मुंह की जगह पे मुंह का निशान, ऐसा कुछ नहीं लिखना। अच्छा ओके, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर एक कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल रजिस्टर हो जाता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है? देखो बेटा, रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल मींस रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, मतलब अगर किसी कंपनी का कोई शख्स अपना मेमोरेंडम और आर्टिकल रजिस्टर करा लेता है तो इसका मतलब है कि उसकी कंपनी बन गई, जैसे ही कंपनी बनेगी रजिस्ट्रार उसको एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू करेगा, ऐसी बात है? Yes, sir. जैसे ही कंपनी रजिस्टर होगी जो कंपनी के सब्सक्राइबर होंगे वो सारे के सारे बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएंगे कंपनी के नाम के साथ। क्या कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होती है बच्चे? जी सर। शाबाश, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन जल्दी से रिवाइज कराओ मुझे। सर, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान, a company incorporated outside Pakistan, or a company incorporated in ally, मतलब law वगैरह, relevant statutes, इसके अलावा relevant statutes, ठीक है, exceptions, इसके अलावा exceptions हैं, so जो cooperative societies नहीं हो सकती, या फिर कोई minister अगर किसी को nominate कर देगी, तो लिहाजा जैसे ही किसी कंपनी का memorandum और article register होता है तो जो subscriber होते हैं वो company बन जाते हैं और company at the end बॉडी कॉर्पोरेट बन जाती है उस नाम से जो सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होगा। कंपनी जब बन जाती है तो अपने तमाम फंक्शन एक्सरसाइज करना शुरू कर सकती है और उसके तमाम करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं जिसमें परपेचुअल सक्सेशन, उसकी अपनी सील वगैरह सारा कुछ उसका अपना आ जाता है। जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है वो वाला होगा जो कंपनी अपनी एप्लीकेशन में लिख के भेजेगी। तो हर कंपनी को अपनी एप्लीकेशन जो इनकॉर्पोरेशन की देनी पड़ती है उसके अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस देना होता है। लिहाजा हम इंशाल्लाह कल की क्लास में प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये ऑनलाइन कैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, थोड़ा सा हम उसके ऊपर आइडिया लेंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता बेटा पोस्ट रिजल्ट बैच में कि मैं आपको वो चीज़ें भी साथ साथ दिखा दूं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जितना हम चीज़ों को अच्छे तरीके से कर सकें उतना करने की। अच्छा, उसके बाद अगर कंपनी का शेयर कैपिटल है
तो जो कंपनी के सब्सक्राइबर होंगे वो इनिशियल शेयर होल्डर बन जाएंगे, और इसी तरह जिन लोगों के नाम कंपनी के आर्टिकल में एज अ डायरेक्टर लिख दिए जाएंगे इनिशियली, वो फर्स्ट डायरेक्टर कंपनी के अपॉइंट हो जाएंगे। क्लियर है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक। यस सर। पढ़ेगा सातों के साथ पॉइंट पढ़ेगा। पढ़ लिया सर। सबने पढ़ लिया भाई? यस सर। कोई क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर? चले बेटा जी, तो ये हमारा चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया। अगला चैप्टर हमारा मेमोरेंडम एंड आर्टिकल का, हम मैक्सिमम 2 या 2.5 दिन लगाएंगे उसके ऊपर, इसके ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। हमारा पहला चैप्टर था, हमारी एक अच्छी टीम बननी थी, आपस में हमारी कोऑर्डिनेशन बननी थी, वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अब हो गई है। तो शुरू में चीजें स्लो रही, अब हम स्पीड के साथ चलेंगे इंशाल्लाह। चैप्टर 12 हम 2 या मैक्सिमम 2.5 दिन लगाएंगे उस पर, चैप्टर 13 पे हमारे 3 दिन या 4 दिन लग जाएंगे, इस तरह चैप्टर 14 पे भी इतने लगेंगे, 15 पे भी इतने लगेंगे, 16 पे फिर हम 2 दिन लगाएंगे। तो इंशाल्लाह हम 15-16 क्लासेस या मैक्सिमम 20 क्लासेस तक अपना कंपनी लॉ खत्म कर देंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर्स में हम अपना एम लॉ पूरा करेंगे। क्लियर है बच्चे? और इसकी फिर कंपनी लॉ की रिवीजन भी करेंगे। इसके बाद इस चैप्टर का मैं आज आपको टेस्ट भेजूंगा, अभी फॉरन क्लास ऑफ होने के बाद आप स्टार्ट और क्लास नहीं है, वो इसको रिवाइज कर दें। क्लियर है बच्चे? इंशाल्लाह सर। चलिए तो फिर सर जी वो भी कर दें 11 और 12 बाद। अच्छा हाँ, इसके अलावा रेगुलर वाला ठीक होगा। तो ठीक है बेटा जी, अल्लाह ताला आप सबको अपनी जुबान में रखे, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़ सर। हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।